मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा हेलीपैड पर बने पैसेंजर्स टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेली सेवा शुरू होने से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार से सेवा का विधिवत संचालन शुरू होगा। आपको बता दें कि देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का 2 अक्टूबर को सफल ट्रायल हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेली सेवा के शुरू होने से सफर आसान होगा। मात्र 1 घंटे में ही अल्मोड़ा और देहरादून की दूरी तय होगी। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी यह हेली सेवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारी जो मातृशक्ति अनेक प्रकार से जो आज स्थानीय उत्पाद बना रही है, उन उत्पादों को भी आज देश दुनिया के अंदर पहचान मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही सबके जीवन में एक बेहतर बदलाव लाने का काम ये सेवा करेगी। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं उत्तराखंड जहाँ देवभूमि है, वहीं देवभूमि में जो अल्मोड़ा शहर है, ये उत्तराखंड के प्राचीन नगरों में से एक है। इसका अपना एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक